मेरा गुड्डा, तेरा गुड्डा, मम्मा की जान। बीबी जी असला, इसको कमरे में रख दो, अभी मैं खेल रही हूँ। भूख लगी, भूख लगी। अरे फातिमा, इसे कौन यहाँ ले आया? वो कल पप्पू आई थी ना, तो वो ही इसे मेरे पास छोड़ के गई। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ने। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करेंगे साथ ही चले जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा इसे छोड़ने। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जजाकल्ला। अब वो तुम्हारी जॉब का क्या बना? सॉरी पूछना भूल गया था। इंटरव्यू दिया है, एक हफ्ते में जवाब देंगे। चलो गुड लक। अब क्यों खड़े हो? फातिमा, कभी कभार तुम्हारे लहजे से मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने किसी पत्थर से मोहब्बत की है, किसी इंसान से नहीं। हो गया, अब चले जाओ। पहुंच 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 पहुंच। अच्छा चलो, मामा आपको फीडर पिलाती हैं। हाँ आ जाओ। रजा, असल मसला ये है कि मैं उमेर को तो बहुत पहले ही भेज चुका होता, लेकिन यहां उसने सब काम मेरे साथ मिलकर संभाले हुए। जाहिर है अब उसकी जगह पे कोई और आदमी रखना पड़ेगा मुझे, लेकिन उमेर को यहां से निकालना बहुत जरूरी है। बहुत परेशान है वो, उसके साथ साथ हम सब परेशान हैं। वो जो टोरंटो वाला ऑफिस है ना, वो उमेर को देना। तुम उसके रहने का बंदोबस्त करो, बाकी मैं सब समझाता हूं। हाँ, लेकिन अभी उससे कोई बात ना करना जब तक मैं तुमसे ना कहूं, ठीक है? हाँ। यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल के बच्चों को कोई बात समझाना या मनवाना कितना मुश्किल होता है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या क्या कह रहे थे रजा भाई? उसने क्या कहना है, हमारा ऑफिस है, बस हमारे बेटे ने जाके वहां ज्वाइन कर। बस जरा उमेर को कुछ बताना है, उसे समझाना है। सिर्फ समझाना नहीं पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा उसे। वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। तुम परेशान ना हो, इस बार मैं उसे समझा लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाए। चलिए देखते हैं।